एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वीवीआई के पावर इंफिनिटी. एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. बात करते हैं मतलब. बेटा इसको देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है मतलब वो सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उससे करंट पैदा होगा. अगर करंट पैदा होगा और किसी एरिया में घूम रहा है तो करंट इनटू एरिया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा. यानी एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये बहुत बड़ी बात है. एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का खुद का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, यानी उसके भी एक एंड को नॉर्थ पोल और एक एंड को साउथ पोल बना सकते हैं हम लोग. नॉर्थ और साउथ की बात अभी हम लोग नहीं किए हैं लेकिन करेंगे आने वाले समय में. फिलहाल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक इलेक्ट्रॉन का भी होता है. अब वो होता है तो कितना होता है, अभी हम शुरू ही किए हैं, श्रुति कुछ बोले नहीं है, जस्ट अभी शुरू ही किए हैं, टॉपिक बता रहे हैं फिर से. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन टॉपिक का नाम है यही, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. आगे सब लोग, जितने लोग को आना था. हाँ देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए ये एक डायग्राम बना दिए ऑर्बिट का, जिसके न्यूक्लियस में मान लो यहाँ पे जेड प्रोटॉन्स है और एक प्रोटॉन का चार्ज ई होता है, तो जेड इंटू ई लिख दिए. इसका रेडियस बहुत छोटा है इसलिए इसको कंपेयर नहीं करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे. जेड इंटू ई मतलब जेड हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, और ई हो गया एक प्रोटॉन का चार्ज, टोटल चार्ज. यहाँ पे आप जानते हैं इसका रेडियस अगर ए है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. देखो इलेक्ट्रॉन को घूमने का साइन बना दिए. इलेक्ट्रॉन जिधर घूमता है करंट उसको उल्टा पैदा होता है, आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन जिधर घूमता है करंट उसके अपोजिट पैदा होता है. तो करंट कितना डेवलप होगा, करंट डेवलप्ड आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी. क्यू सुने ना, क्यू बाय आई टू, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी. क्यू चार्ज होता है, चार्ज जगह पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है, आई इज इक्वल टू ई बाय टी. दैट टी क्या है, टाइम पीरियड. हियर टी जो आपका है वो है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड. एक पूरा चक्कर काटने में डिस्टेंस कितना लगेगा, अगर मान लो ए की जगह हम आर लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए, ए की जगह पे हम अगर आर लिख रहे हैं तो क्या होगा, पूरा चक्कर काटने में कितना डिस्टेंस लगेगा, टू पाई, टू पाई आर बाय में स्पीड इसका वी. टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, टू पाई आर बाय वी. तो देयरफॉर इक्वेशन वन एंड टू इंप्लाइज, वन इंप्लाइज आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय टू पाई आर इंटू में वी. आपने करंट निकाल लिया, करंट निकाला इस इलेक्ट्रॉन के घूमने से एक टाइम पीरियड में जो करंट डेवलप हुआ वो आपने निकाला इक्वेशन नंबर तीन में. करंट निकल गया, करंट निकालना आसान था, करंट होता है क्यू बाई टी, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस बाय स्पीड. ये वी स्पीड से घूम रहा था, वही स्पीड को हम लोग ले लिया. सिंस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का, सिंस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इसको हम लोग म्यू से दिखा रहे हैं, म्यू से एनसीईआरटी के सिंबल को लेते हुए, म्यू से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया. करंट आपका आई और एक सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, दिख रहा है आई की जगह तो हम आई लिखेंगे ही, आई का वैल्यू मतलब कितना आई का वैल्यू, ई वी डिवाइडेड बाई वॉट, टू पाई आर इंटू में क्या, पाई आर स्क्वायर. कौन किसको काट खाएगा,
पाई जो है वो पाई को काट खाएगा और आर जो है वो आर को काट खाएगा, एक आर से एक आर, तो बताइए क्या बचेगा आपका। देयरफोर म्यू इज इक्वल टू ई वी आर बाई टू। देखो तो म्यू इज इक्वल टू आपको दिखा ई वी आर बाई टू, एक चीज छूट रहा है कहां पे बताइए, कहीं कुछ छूट रहा है तो बताइए, कहीं कुछ नहीं, याद आपको दिख रहा है नहीं छूटा कुछ। आप ध्यान दो रिजल्ट को और थोड़ा ठीक करते हैं। ऊपर नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में कोई एम ही छोटा सा लिखे हैं, इससे क्या होगा ऊपर में बन जाएगा, देखो क्या ई तो ठीक है एम बी आर बाय में टू एम ई, यहां तक देखो कोई दिक्कत। आप लोगों ने सुना है एम बी आर क्या होता है, किसी को पता है एम बी आर? 11th क्लास में आप जानते थे कि एम इंटू बी मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, एम बी मोमेंटम, मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एंगुलर मोमेंटम, एम बी आर एंगुलर मोमेंटम होता है। 11th क्लास एम बी आर उसमें पढ़े होंगे बोट्स थ्योरी में, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, ये एंगुलर मोमेंटम है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। तो म्यू इज इक्वल टू ई एल, ई एल हम लोग एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से दिखाते थे लेकिन यहाँ स्मॉल एल से दिखा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी, EL by 2 ME। देखो EL by 2 ME लिखे हैं here, here L is equal to MVR mass of electron, ये कौन सा मोमेंटम है, ये है एंगुलर मोमेंटम, ये आपका है एंगुलर मोमेंटम, दिख रहा है शॉर्ट में लिख दिए। तो यहां तक अभी अभी खत्म नहीं हुआ है, यहां तक पहुंचे हैं इक्वेशन नंबर 4, वैसे यहीं तक होता है म्यू इज इक्वल टू ई एल बाई टू एम ई, यही रिजल्ट है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो म्यू इज इक्वल टू ई एल बाई टू एम ई, वेक्टर साइन लगाओगे तो यहाँ माइनस लगाना होगा, वेक्टर लगाएंगे तो माइनस क्यों लगाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब नेगेटिव साइन बताता है कि एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, क्योंकि पता है ना इलेक्ट्रॉन इधर घूमता है करंट उसको उल्टा पैदा होता है। तो अगर वेक्टर लगा के लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, एक माइनस, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का अपोजिट होता है। तो रिजल्ट दिखा आपको एल किसके द्वारा पे लिखे बस एम बी आर, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास वेलोसिटी ऐसे आप नहीं निकालोगे, वेलोसिटी और रेडियस नहीं निकालोगे डायरेक्टली, आप उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, एन पता है नंबर ऑफ ऑर्बिट एच बाई टू पाई कॉन्स्टेंट है, तो इसीलिए एल के टर्म में रिजल्ट दिया गया ई एल बाई टू एम, यहाँ तक रिजल्ट था। स्क्रीनशॉट ले ले फिर भी हम भेज देते हैं आपको, हाँ जो हाथ उठाया वो भेजे, क्या है उनका जवाब पूछे, किसने हाथ उठाया था, कुछ नहीं आया, हम व्हाट्सएप पे भेज दे रहे हैं आपको ये। एक बार बता रहे थे अच्छी ध्यान देना, दोबारा बताने जा रहे हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके चारों इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर काटता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या को जेड से दिखाते हैं एटॉमिक नंबर, और एक प्रोटॉन का चार्ज ई है तो टोटल चार्ज हो गया जेड इंटू ई। एक इलेक्ट्रॉन अगर वी वेलोसिटी से घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है करंट उसका उल्टा पैदा होता है, और करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाई टाइम, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू की जगह पे लिखे ई क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, बाई टी टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, एक चक्कर काटने में जो समय लगा वो टाइम पीरियड, एक चक्कर में डिस्टेंस होता है टू पाई आर और स्पीड है भी, ये टू पाई आर बाई भी को यहाँ पुट किया इक्वेशन वन में तो करंट का वैल्यू आया ई बी बाई टू पाई आर। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम पिछले दो क्लास पहले बताए थे कि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इंटू एरिया, करंट आई और एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आई की जगह पे ये वैल्यू डाले एरिया में ये डाले, तो रिजल्ट ये बचा ई बी आर बाई टू, ऊपर नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसलिए मल्टीप्लाई किए ताकि इसको एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट कर सके, एम बी आर की जगह पे एल लिख दिए, एल फॉर एंगुलर मोमेंटम, और माइनस इसमें लगाया अगर वेक्टर लगाते हैं तो माइनस का मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन और म्यू का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान सुनिए आगे, मैसेज नहीं आया, आगे सुनिए, मिटाइल्स को हम भेज दिए हैं ग्रुप में आपके, अब इसी में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, उन नोट्स को सुन लीजिएगा तो काम चल जाएगा, अदरवाइज दिक्कत होगा, वो इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है वो बोलने जा रहे हैं देख लीजिए।
यहां पे सबसे पहले अलग से बता रहे स्पेशल नोट में, वहां तो प्रूफ खत्म हो गया एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में यही तक नहीं आता, सवाल के साथ कुछ जोड़ के देगा ही देगा। देखिए क्या, सेल्स म्यू इज इक्वल टू ई एल बाई टू एम ई, तो देयरफॉर म्यू बाई एल इज इक्वल टू ई बाई टू एम ई। देखिए म्यू अलग हो सकता है, एल अलग हो सकता है, लेकिन म्यू बाई एल हर इलेक्ट्रॉन का कॉन्स्टेंट होगा। ई फिक्स है, टू फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, यानी ये कांस्टेंट आया। और इसी रेशियो को इसका वैल्यू याद रख लेंगे, ई का वैल्यू पुट कीजिएगा और इसका वैल्यू पुट कीजिएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 8.8 × 10⁻¹⁰, 8.8 × 10⁻¹⁰ और ऊपर चार्ज है नीचे मास है, चार्ज पर मास कूलम्ब पर केजी। ये जो रेशियो आया ना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का रेशियो एंगुलर मोमेंटम के साथ, आज के बाद इसको कहेंगे जायरो मैग्नेटिक रेशियो, जायरो मैग्नेटिक रेशियो ना भूले। डिफाइन जायरो मैग्नेटिक रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ओवर एंगुलर मोमेंटम, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड इट्स वैल्यू इज कितना, 8.8 × 10⁻¹⁰ कूलम्ब पर केजी। ऑब्जेक्टिव इस चीज के लिए भी याद रखिएगा। दूसरी बात, आप सब जानते हैं, दिख रहा है, सेंस म्यू इज इक्वल टू ई एल बाई टू एम ई, और हम सब जानते हैं कि एल यानी कि एंगुलर मोमेंटम होता है, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, याद है। तो यहां से म्यू इज इक्वल टू ई तो ठीक है, यहाँ पे एन एच बाई टू पाई बाई में टू एम ई, दिख रहा है। आप अगर इसको सोल्व करते हो, फॉर एन इज इक्वल टू वन, सबसे पहला ऑर्बिट के लिए म्यू का वैल्यू मिनिमम होगा, सबसे कम तो वही ना होगा एन, वन डाल दो ई एच बाई फोर पाई एम इन टू ई, तो पहला ऑर्बिट के लिए म्यू का वैल्यू मिनिमम होता है। और इसका वैल्यू याद कर लेंगे सब लोग, 9.27 × 10⁻²⁴, 9.27 × 10⁻²। देखो म्यू है, म्यू का ऐसा यूनिट, म्यू होता है क्या, म्यू होता है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, करंट इनटू एरिया, करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये जो है ना वैल्यू, इसी को हम लोग आज के बाद कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे बोर्स मैग्नेटन। याद रखिएगा ये वाला वैल्यू पूरा कहलाएगा बोर मैग्नेटन, दिख रहा है आपको, बोर, क्योंकि बोर थ्योरी से लिया है ना, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, बोर मैग्नेटन। तो फिर तो सुनिए, दो चीजें यहाँ जरूरी है, नंबर वन जायरो मैग्नेटिक रेशियो, दूसरा बोर मैग्नेटन। मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज कॉल्ड बोर मैग्नेटन, एंड इट्स वैल्यू इज 9.27 × 10⁻²⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर। देख लीजिए, आज का क्लास हम यही एंड करेंगे, क्योंकि मेरा दूसरा बैच भी है, उसको भी देखना पड़ता है, आज थोड़ा कम हुआ लेकिन देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ये इधर का चीज, वैसे हम आपको स्क्रीनशॉट भेज दे रहे हैं। ये दो टॉपिक का स्क्रीनशॉट आपको हम फिर से भेज दिए, कितना सेवा लगा रहे, कोरिया पानी में लिखने वाला भी काम खत्म करवा दिया, ठीक है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट भी मिल गया, कोई समस्या। इसमें दो चीजें हैं, बोर मैग्नेटन एंड जायरोमैटिक रेशियो। बोर मैग्नेटन क्या हो गया, द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड, या इन एन एटम, ऑर्बिट नहीं, इन एन एटम इज कॉल्ड बोर मैग्नेटन। ऑर्बिट तो हमेशा पाला होगा मिनिमम के लिए, एंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ओवर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड जायरोमैटिक रेशियो, इट्स वैल्यू एज 8.8 × 10⁻¹⁰ कूलम पर केजी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड किया गया वैल्यू है। आज के लिए इतना ही।